Hello to all. In this lecture, we are going to discuss about its essential element of Muslim marriage and its types. In last lecture, we had discussed about introductory part of marriage under Muslim law and its definition by different jurists and scholars, and different aspects of marriage and nature of Muslim marriage. So in this lecture, we are going to discuss about essential and its types. Let's start with essentials of valid marriage. There are the main essential for a valid marriage is Muslim marriage mein 5 essential element hote hain, jisme se first hai proposal, jisko proposal and acceptance. In a Muslim marriage, proposal is referred to as ijab and acceptance of the same as kubul. मुस्लिम मैरिज में प्रपोजल को रेफर किया जाता है इजाब शब्द से एंड एक्सेप्टेंस को कबूल नाम से. ए प्रपोजल शुड बी मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ वन पार्टी एंड द सेम शुड बी एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी. मुस्लिम मैरिज में एक पार्टी के द्वारा प्रपोजल बनाया पेश किया जाता है और दूसरे पार्टी के द्वारा उसको एक्सेप्टेंस दिया जाता है. फॉर ए वैलिड मुस्लिम मैरिज प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस शुड बी कैरिड आउट एट द सेम मीटिंग. मुस्लिम मैरिज के लिए, वैलिड मुस्लिम मैरिज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मनाया जाता है, पेश किया जाता है, वो एक ही मीटिंग में होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि प्रपोजल जो है वो आज बनाया गया हो, दिया गया हो एंड एक्सेप्टेंस उसके आफ्टर वीक दिया जा रहा है. उसको एक मीटिंग में ही प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस को फिक्स करना होता है. इफ़ ए प्रपोजल इज मेड एट वन मीटिंग एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल इज डन इन द सेकेंड मीटिंग, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज वैलिड. जैसे अगर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस अलग अलग दिन में सेम मीटिंग में उसको फिक्स नहीं किया गया है, सो वो मैरिज को आप वैलिड नहीं कंसिडर किया जा सकता है. It is not necessary that the offer in acceptance must be writing. Offer in acceptance may be oral as well. यह जरूरी नहीं है कि offer in acceptance को writing में ही होना चाहिए. Offer in acceptance oral भी हो सकता है. But in Janwa versus Abdul Rahman AIR 1945, इस केस में बोला गया, observe किया गया that there is no particular form in which the proposal in acceptance should be made. But the word must indicate with reasonable certainty that a marriage has been contracted. ये कोई particular मतलब Muslim law में particular form prescribed नहीं किया गया है कि proposal and acceptance इसी form में बनाया जाएगा. But जो भी proposal and acceptance होंगे वो reasonable certainty के साथ होंगे. उसमें indicate करना चाहिए, ये show off होना चाहिए उस प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के. उसके टर्म्स एंड कंडीशन शुड बी रीजनेबली सर्टेन होने चाहिए, देन ही वैलिड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की जा सकती है. लाइक अगर डवर के अमाउंट है तो वो सर्टेन होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वो अनसर्टेन हो. जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि मैरिज, मुस्लिम मैरिज जो है एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, सो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सर्टेन होने चाहिए. तो सेम मुस्लिम मैरिज में भी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो वर्ड्स जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है. बट कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं कि ऐसे ही प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस बनाना चाहिए. द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन अनइक्वोकल टर्म्स, मतलब क्लियर अपेरेंट होने चाहिए. द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस जो भी किया गया है वो क्लियर होने चाहिए, अपेरेंट होने चाहिए. ए मियर प्रोमिस टू मैरी इन फ्यूचर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट मैरिज. सिर्फ प्रोमिस कर देना कि नियर फ्यूचर में हम आपसे शादी करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते हैं. उसके लिए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इन द सेम मीटिंग मस्ट है. ये हुआ फर्स्ट एसेंशियल. सेकेंड है हमारा कंसेंट, जिसको इकरार बोलते हैं. फॉर अ वैलिड मैरिज फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज इज ए मस्ट. वैलिड मैरिज के लिए फ्री कंसेंट होना मस्ट है. इफ द कंसेंट इज ऑप्टेन बाई मीन्स ऑफ कोशन, फ्रॉड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इट इज कंसिडर्ड एज इनवैलिड एंड द मैरिज इज कंसिडर्ड एज वॉइड. अगर
आगे पता चलता है कि जो कंसर्न है वो क्वेश्चन एंड फ्रॉड एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट से इन्फ्लुएंस है, सो उसको इनवैलिड मैरिज कंसिडर किया जाएगा और वो मैरिज वाइड हो जाएगा। इन द केस ऑफ महुद्दीन वर्सेस खातिजा बीबी 1941, द कोर्ट हेल्ड दैट मैरिज इज इनवैलिड इफ इट इज हेल्ड विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इस केस में बोला गया कि द कोर्ट हेल्ड दैट मैरिज इज इनवैलिड, मैरिज जो है इनवैलिड हो जाएगी अगर उसकी कंसेंट फ्री नहीं हुई तो। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट है हमारा सफिशियंट विटनेसेस, उचित साक्षी। कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ मैरिज मस्ट बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर एंड कॉम्पिटेंट विटनेसेस। मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अनिवार्य है कि वहाँ पर प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर एंड कॉम्पिटेंस, मतलब जितनी भी संख्या दी गई है उतने, और वो जो विटनेसेस हों वो कॉम्पिटेंट विटनेसेस हों। इनकॉम्पिटेंट विटनेसेस को कंसीडर नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पर अंडर सिया एंड सुन्नी, हम लोग डिफरेंस बिटवीन में भी पढ़ चुके हैं कि इन सिया जो है प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस एसेंशियल नहीं होगा, उससे मैरिज की वैलिडिटी को किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगी। बट सुन्नीज में प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस इज एसेंशियल, एल्स द मैरिज वुड बी इरेगुलर। अगर अगर प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस नहीं है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज तो वो मैरिज इररेगुलर हो जाएगी। इररेगुलर क्या होता है? इररेगुलर तब होता है, आगे हम काइंड्स में डिटेल में पढ़ेंगे, इररेगुलर मैं बस बता देती हूँ कि इररेगुलर का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई कंडीशन जिसको कि हम फ्यूचर में जाके रिमूव करके उसको वैलिड कंसिडर करवा सकते हैं। तो अगर विटनेसेस प्रेजेंट नहीं है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज तो फ्यूचर में जाके हम उसको विटनेसेस को प्रेजेंट करके उसको रेगुलराइज मतलब वैलिड कंसीडर करवा सकते हैं। सो उस कंडीशन में ये मैरिज हो जाएगी इररेगुलर बट नॉट वाइड। एटलीस्ट टू मेल और वन मेल एंड टू फीमेल विटनेसेस शुड बी प्रेजेंट अंडर सुनिस में, क्योंकि सियास में प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस एसेंशियल नहीं है। इवन विदाउट विटनेसेस इज कंसिडर्ड एज वैलिड मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द पार्टी देमसेल्फ और बाय देयर गार्जियन। इन सिया में क्या है कि अगर मैरिज मेजर पार्टीज जो हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ अगर मेजर है तो वो खुद से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं मैरिज का विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। अगर वो माइनर है तो उनके बिहाफ में उनके गार्जियन के थ्रू कंसर्न के वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। यहाँ पर विटनेसेस की अनिवार्यता नहीं है। बट सुन्नीज में जैसे मैंने बताया कि एसेंशियल है, सफिशिएंट विटनेसेस प्रेजेंट होना इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर भी होना चाहिए वो विटनेसेस एंड कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। प्रॉपर मतलब जैसे बताया गया कि एटलीस्ट टू मेल, या तो दो मेल प्रेजेंट होने चाहिए, या तो अगर दो मेल प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं तो वन मेल एंड टू फीमेल विटनेसेस शुड बी प्रेजेंट, होना ही चाहिए। एंड द विटनेस शुड बी ए मेजर ऑफ साउंड माइंड एंड ए मुस्लिम। विटनेसेस की क्या क्या एलिजिबिलिटी है कि वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और मुस्लिम होना चाहिए। नॉन मुस्लिम पर्सन एज ए विटनेस नहीं प्रेजेंट हो सकता है, सो मुस्लिम होना चाहिए। ये हुए हमारा थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मैरिज। अब हमारा फोर्थ एसेंशियल एलिमेंट है मैरिज का, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज। एवरी मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड हु हैज़ अटेन मेजोरिटी कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज। द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी, ये तीन कैपेबिलिटीज दी गई है, ये उसकी कॉम्पिटेंसी डिसाइड करती है। ये तीन कैपेबिलिटीज, फर्स्ट इज मेजर, सेकेंड वन इज साउंड माइंड एंड थर्ड वन इज मुस्लिम्स। मेजर, अकॉर्डिंग टू हिदायत द एज ऑफ प्यूबर्टी फॉर फीमेल इज 9 ईयर्स एंड फॉर मेल इट इज 12 ईयर्स। हिदायत के अकॉर्डिंग द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी का मतलब होता है कि द टाइम वेन ए चाइल्ड बॉडी इज चेंजिंग एंड बिकमिंग फिजिकली लाइक एन एडल्ट, सो उसको प्यूबर्टी एज कहा जाता है। तो फीमेल्स के लिए ये एज डिसाइड हुई 9 ईयर एंड फॉर मेल इट इज़ 12 ईयर्स। द प्रिवी काउंसिल इन द केस ऑफ मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस अतकिया बेगम एंड अनदर AIR 1916 हेल्ड दैट अंडर मुस्लिम लॉ ए गर्ल इज कंसिडर टू हैव अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी इफ, उस केस में बोला गया कि एज ऑफ प्यूबर्टी को फॉर ए गर्ल कब डिसाइड होगा,
उनके अकॉर्डिंग, इस केस के अकॉर्डिंग है, शी हैज़ अटेन द एज ऑफ 15 ईयर्स. अगर गर्ल की एज 15 ईयर्स है, अगर वो 15 ईयर की हो गई हो, या अटेनिंग द स्टेट ऑफ प्यूबर्टी एट एन अर्लियर एज, अगर वो 15 वर्ष के पहले भी अगर उसने प्यूबर्टी की स्टेज पहुंच गई है, अटेन कर ली है, सो उसको भी जो भी अर्लियर हो जाएगा तो उसको प्यूबर्टी के को कंसीडर किया जाएगा. द सेम रूल इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू मुस्लिम लॉ. यह सेम रूल एप्लीकेबल होगा मुस्लिम लॉ, लाइक 15 ईयर्स, मतलब 15 वर्ष की उम्र को स्टैंडर्ड माना गया है अंडर मुस्लिम लॉ मेजोरिटी के लिए. सेकेंड वन इज साउंड माइंड. कॉम्पिटेंसी में सेकेंड है, फर्स्ट इज मेजर, सेकेंड वन इज साउंड माइंड. एट द टाइम ऑफ मैरिज बोथ द पार्टी शुड बी ऑफ साउंड माइंड. अनसाउंड माइंड इज ऑफ टू टाइप्स. यह जरूरी है कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज बोथ द पार्टी शुड बी साउंड माइंड. पार्टीज़ जो है, जो भी हस्बैंड वाइफ है, उनको साउंड माइंड होना मस्ट है. अगर वो साउंड माइंड नहीं है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मैरिज, तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी. सो अनसाउंडनेस भी दो टाइप से है. फर्स्ट इज एडीओसी. इट रिफर टू ए कम्प्लीट एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड. एडीओसी में कम्प्लीट एबनॉर्मल, उसमें ठीक होने का चांस, ठीक नहीं होते हैं उसमें, कम्प्लीटली कंटिन्यूएशन में एबनॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं. द पर्सन टू दिस कैटेगरी आर इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इस कैटेगरी में जो भी फॉल करता है, वो किसी भी तरीके से मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता है. सेकेंड वन इज लूनेसी. इट रेफर टू ए क्यूरेबल मेंटल डिजीज. इसमें ये है कि क्यूलोनेटिक पर्सन कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट इन द टाइम इंटरवल इन विच ही बिहेव्स लाइक ए सेम पर्सन. इसमें क्यूरेबल मेंटल डिजीज होता है, इसमें टाइम इंटरवल में ही उसका मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो जिस बीच में वो सेन रहता है, सो उस बीच में वो मैरिज को के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. अगर वो इन्फ्लुएंस हो अनसाउंडनेस से, उस इंटरवल में अगर वो मैरिज में एंटर करता है, सो वहाँ पर उसकी मैरिज वाइड हो जाएगी. बट अगर वो उस इंटरवल में मैरिज में एंटर, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है जब वो सेन है, तो वो मैरिज वैलिड मैरिज कंसीडर की जाएगी. थर्ड कॉम्पिटेंसी है मुस्लिम. द पार्टीज टू एंटर इन टू मैरिज मस्ट बी ए मुस्लिम इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्ट और सबसेक्ट. जो भी पार्टी है, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका मुस्लिम होना मस्ट है, तभी वो वैलिड मैरिज कंसीडर की जाएगी. मुस्लिम्स मैरिज होना, मुस्लिम्स दोनों पार्टीज का एट द टाइम ऑफ मैरिज, एंटरिंग इनटू मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम होना मस्ट है, भले वो कन्वर्जन के थ्रू मुस्लिम हुए हो, बट उनका दोनों का मुस्लिम होना मस्ट है. इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सेक्ट एंड सबसेक्ट, भले वो इंटरसेक्ट बिलीव करते हो, लाइक मुस्लिम लड़की जो है सुन्नी स्कूल से बिलोंग करती है, एंड बॉय जो है वो सीआई स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर उनकी वैलिडिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसको वैलिड मैरिज कंसीडर किया जाता है. मैरिज इज कंसीडर टू बी एज इंटरसेक्ट मैरिजेज. बोथ द पार्टीज आर मुस्लिम बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्ट, बट द मैरिज इज वैलिड. मैरिज जो है, इंटरसेक्ट मैरिज को यहाँ पर वैलिड मैरिज कंसीडर किया गया है इन केस ऑफ आजीज बानो वर्सेस मोहम्मद 1925. ये हुआ कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी. तीन कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, क्या क्या? मेजर, साउंडनेस एंड मुस्लिम्स होना चाहिए. ये तीन कॉम्पिटेंसी अंडर मुस्लिम मैरिज के लिए मस्ट है. फिफ्थ वन है हमारा डवर. डवर और मेहर. डवर क्या होता है? डवर एक तरीके का अमाउंट होता है, और जो कि एज ए गिफ्ट ब्राइड ग्रूम के द्वारा ब्राइड को एट द टाइम ऑफ मैरिज दिया जाता है. अनदर एसेंशियल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज रिलेट्स द फिक्सेशन ऑफ डवर और मेहर ऑन द डे ऑफ मैरिज. इट इज़ रेफर्ड टू एज मेहर. इट रेफर टू द अमाउंट ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी विच ए ब्राइड ग्रूम हैज़ टू गिव टू ब्राइड एज ए कंसिडरेशन ऑफ मैरिज. इसको मेहर के नाम से भी जाना जाता है, और ये एक तरीके का अमाउंट होता है,
और अदर प्रॉपर्टी, जरूरी नहीं है कि ये कैश में ही हो, ये अदर प्रॉपर्टी के रूप में भी दिया जा सकता है, बट ये चीज़ का जो भी चीज़ एज ए महर या डवर दिया जा रहा है उसका वैल्यूएशन होना चाहिए। वैल्यूएशन मतलब उसका कुछ फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, फाइनेंशियली वैल्यू होनी चाहिए, वही चीज़ को एज एन महर या डवर दी जा सकती है। जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, वो दुल्हन को एज ए कंसिडरेशन, मैरिज जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, सो एज ए प्रतिफल के रूप में मैरिज के वो ब्राइड को देता है। विदाउट डावर और मेहर ए मुस्लिम मैरिज कैन नॉट बी कॉल्ड वैलिड। विदाउट डावर और मेहर के मुस्लिम मैरिज को वैलिड मैरिज कंसीडर नहीं किया जा सकता। डावर का फिक्सेशन और मेहर का देना मस्ट है। इट्स ऑब्जेक्ट इज टू ऑफर द ब्राइड ए सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी विद इन एंड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज। इसका बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है एक तरीके से जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना विद इन एंड आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज। जब तक वो शादी में है या शादी के बाहर है, मतलब आफ्टर डाइवोर्स भी उसको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना, बिकॉज मैरिज मुस्लिम लॉ में डाइवोर्स देना अदर रिलीजन के अकॉर्डिंगली थोड़ा इजी है, तो उसको एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ब्राइड को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देना। इन द केस ऑफ नसरा बेगम वर्सेस रिजवान अली AIR 1980, इलाहाबाद हाई कोर्ट हेल्ड दैट द राइट ऑफ मेहर कम इन टू एग्जिस्टेंस बिफोर कोहैबिटेशन। द कोर्ट ऑल्सो कंक्लूडेड दैट इफ द वाइफ इज माइनर, हर गार्जियन कैन रिफ्यूज टू सेंड टू हर हस्बैंड अंटिल पेमेंट ऑफ डावर, एंड इफ शी इज इन हस्बैंड कस्टडी देन ही कैन ऑल्सो बी ब्रॉट बैक। अगर इस केस में बोला गया कि अगर मेहर नहीं फिक्स की गई है, नहीं दी गई है, तो जो वाइफ है वो कोहैबिटेशन के लिए रिफ्यूज़ कर सकती है, और अगर वाइफ माइनर है सो इन दैट कंडीशन उसके गार्जियन जो है उसको उसके हस्बैंड के साथ भेजने के लिए मना भी कर सकते हो ऑन द बेस अंटिल पेमेंट ऑफ डावर, जब तक कि डावर का पेमेंट नहीं किया जा सकता। और अगर वो अपने हस्बैंड की कस्टडी में है, अपने हस्बैंड के घर पे, तो वो उसको अपने घर वापस लाने के लिए भी लाने के लिए एंटाइटल्ड है। सो ये हो गए हमारे पांच एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। ये पांच कंडीशन होना मस्ट है, ये उसकी वैलिडिटी डिसाइड करते हैं, मुस्लिम मैरिज की वैलिडिटी डिसाइड करते हैं। अब है काइंड्स ऑफ मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम मैरिज में मुस्लिम मैरिजेस जो हैं वो फोर काइंड ऑफ मैरिजेस होती हैं। फर्स्ट इज सही निकाह और वैलिड मैरिज, सेकेंड इज बातिल निकाह और वाइड मैरिज, और फासिद निकाह, इरेगुलर मैरिज, और फोर्थ वन इज मुता मैरिज। वन बाई वन हम समझ लेते हैं कि क्या क्या है इसमें और क्या क्या इसके लीगल इफेक्ट्स हैं। सही विवाह का मतलब होता है, या वैलिड मैरिज का मतलब होता है, व्हेन ऑल द एसेंशियल कंडीशंस, मतलब जो भी हम लोग ने पांचों एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े, लाइक प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, कंसेंट, डावर, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज एंड सफिशिएंट विटनेसेस, प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट विटनेसेस, तो ये पांचों एसेंशियल एलिमेंट्स अगर ड्यूली फुलफिल्ड है तो इट इज़ कॉल्ड ए सही निकाह और वैलिड मैरिज। इफेक्ट, इसका क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, लीगल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, या इस आफ्टर वैलिड मैरिज में क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज होती है। द कोहैबिटेशन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ बिकम लॉफुल। जो भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होगा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में वो लॉफुल माना जाएगा। द चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ ए वैलिड मैरिज आर लेजिटिमेट एंड दे हैव राइट टू इनहेरिट देयर पेरेंट्स प्रॉपर्टी। जो भी आउट ऑफ देयर रिलेशनशिप, आउट ऑफ देयर वेडलॉक जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा उसको सारे उसको लेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा, एंड वो अपने पेरेंट्स प्रॉपर्टी में इनहेरिट राइट्स उसको दिया जाएगा। म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ आर एस्टैब्लिश। म्यूचुअल राइट्स का मतलब होता है इनहेरिटेंस, म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अगर इन केस हस्बैंड की डेथ होती है तो वहाँ पर वाइफ को उसकी प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस राइट्स मिलेगा, हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वाइफ को इनहेरिटेंस राइट्स मिलेगा, और अगर वाइफ की डेथ होती है तो वाइफ की प्रॉपर्टी में हस्बैंड को इनहेरिटेंस राइट्स मिलेगा।
वो वाइफ इज एंटाइटल टू इनहेरिट द हस्बैंड प्रॉपर्टी. सो यहाँ पर है म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस मिलेगा, तभी मिलेगा जब मैरिज विल बी वैलिड मैरिज. नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप फॉर पर्पज ऑफ मैरिज इज क्रिएटेड बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ एंड ईच ऑफ देन इज प्रोहिबिटेड टू मैरी द रिलेशन ऑफ द अदर विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज. लाइक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज में तो उसमें होता है कॉन्जिक्यूटी, एफिनिटी एंड फोस्टरेज. तो जो एफिनिटी का रिलेशनशिप, एफिनिटी रिलेटेड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता है, एफिनिटी तब रियलाइज होता है कि जब आउट ऑफ मैरिज ऐसा रिलेशनशिप अराइज होता है कि अगर वो वैलिड मैरिज है तो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ की मदर से शादी नहीं कर सकता है या ग्रैंड मदर से शादी नहीं. तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अराइज होता है आउट ऑफ वैलिड मैरिज. आउट ऑफ वैलिड मैरिज ही ये प्रोहिबिटेड प्रोहिबिशन या लिमिटेशन अराइज होता है. जैसे वाइफ की डॉटर से या ग्रैंड डॉटर से हस्बैंड शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये प्रोहिबिटेड डिग्री में आता है, ये एफिनिटी से रिलेटेड रिलेशनशिप अराइज होता है. सो यहाँ पर उसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाता है क्योंकि वो प्रोहिबिटेड आउट ऑफ मैरिज एक प्रोहिबिशन क्रिएट होता है, एक लिमिटेशन क्रिएट होता है. तो ये तभी क्रिएट होता है जब मैरिज विल बी वैलिड. नेक्स्ट है द वाइफ्स राइट टू क्लेम डावर इज़ फुली एस्टेब्लिश जस्ट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ मैरिज. जैसे ही मैरिज डिसॉल्व होती है आइदर बाय डिवोर्स और बाय द डेथ ऑफ हस्बैंड, वो वहाँ पर एंटाइटल्ड हो जाती है, फुली एंटाइटल्ड हो जाती है डावर क्लेम करने के लिए. द मैरिज गिव्स टू द वाइफ ऑल्सो द राइट ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड विथ इमीडिएट इफेक्ट. अगर वो मैरिज वैलिड है तो इमीडिएट आफ्टर मैरिज के डिसॉल्व होने के वो मेंटेनेंस पाने के लिए एंटाइटल्ड हो जाती है. आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज द विडो और द डिवोर्स वाइफ इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू ऑब्जर्व द इद्दत ड्यूरिंग विच शी कैन नॉट री मैरी. इद्दत एक पीरियड होता है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, उसको एक टाइम पीरियड स्पेंड करना पड़ता है, वाइफ को एक टाइम पीरियड स्पेंड करना पड़ता है बिकॉज उसका ऑब्जेक्ट होता है कि टू डिसाइड द पेटर्निटी ऑफ चाइल्ड. अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस चाइल्ड का पेटर्निटी डिसाइड करने के लिए ये इद्दत पीरियड को स्पेंड करना मस्ट होता है अंडर मुस्लिम लॉ. तो आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज द विडो और द डिवोर्स्ड वाइफ इज अंडर एन ऑब्लिगेशन. मतलब उस पर अगर वो वैलिड मैरिज की है तो उस पर एज एन ऑब्लिगेशन होता है कि वो इद्दत पीरियड को स्पेंड करे ही ड्यूरिंग विच शी कैन नॉट मैरिज. उस पर एक तरीके का ये रिस्ट्रिक्शन भी होता है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत वो रीमैरिज नहीं कर सकती है क्योंकि उसकी पैटर्निटी तब तक नहीं डिसाइड होती है. सेकेंड वन है हमारा बातिल निकाह, वाइड मैरिज जिसको बोलते हैं. मैरिज विच इज़ अनलॉफुल फ्रॉम इट्स बिगनिंग, इट डज नॉट क्रिएट एनी सिविल राइट्स और ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज. ये वाइड मैरिज जब हम एसेंशियल एलिमेंट्स में कुछ कुछ चीज़ें पढ़े जो कि बिल्कुल फुलफिल नहीं करती है और ये किसी भी तरीके की सिविल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज अराइज नहीं होती है. द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए वाइड मैरिज इज इलेजिटमेट. जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा आउट ऑफ वाइड मैरिज उसको इलेजिटमेट कंसिडर किया जाएगा. दे आर आउटकम ऑफ कब कब मैरिज जो है वो वाइड मैरिज कंसीडर की जाती है. इसमें कुछ कंडीशन कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस है कब वाइड मैरिज होती है. फर्स्ट इज मैरिज थ्रू फोर्स्ड कंसेंट. अगर कंसेंट को फोर्सफुली लिया गया है या फ्रॉड या कोशन या से इन्फ्लुएंस्ड है तो वो मैरिज वाइड मैरिज किया जा के कैटेगरी को वाइड मैरिज कंसीडर किया जाएगा. सेकेंड वन इज प्लुरैलिटी ऑफ हस्बैंड. प्लुरैलिटी मतलब पोलियंड्री अगर होता है. सो वहाँ पर अगर वन मैम वोमेन विथ मल्टीपल हस्बैंड, अगर एक वाइफ एक वोमेन ने मल्टीपल टाइम मतलब एक से अधिक हस्बैंड से शादी की है एक टाइम पे तो उसको वाइड मैरिज किया जाएगा. जैसे अगर उसके हस्बैंड अलाइव हैं और उन्होंने प्रॉपर डिवोर्स एंड इद्दत पीरियड नहीं स्पेंड किया है तो इन दैट कंडीशन अगर वो सेकेंड मैरिज करती है री मैरिज करती है तो वहाँ पर वो शादी जो सेकेंड मैरिज है वो वाइड कहलाएगी. थर्ड वन इज मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्सिक्विटी.
कॉन्सिक्यूटी का मतलब होता है कि रिलेटेड टू समवन बाय बर्थ नॉट मैरिज, मतलब कोई भी पर्सन जो कि लाइक जो कि बाय ब्लड इतना रिलेटेड होता है उस रिलेशन में, प्रोहिबिटेड रिलेशन में शादी नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो मैरिज वाइड मैरिज हो जाएगा। लाइक हस्बैंड कैन नॉट मैरी हिज मदर और ग्रैंड मदर, वो अपने मदर या ग्रैंड मदर से शादी, क्योंकि वो बाय ब्लड रिलेटिव होते हैं, ब्लड रिलेशन होता है। हिज डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर फॉर एग्जाम्पल, हिज वो अपने डॉटर एंड ग्रैंड डॉटर से भी शादी नहीं कर सकता है, बिकॉज दे शेयर दे कॉमन एंसिस्टर, वो शेयर करते हैं एज एन कॉमन एंसिस्टर, एंसिस्टर हैं दोनों के। थर्ड फोर्थ वन है मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ एफिनिटी। एफिनिटी मतलब आउट ऑफ मैरिज जो भी रिलेशनशिप अराइज होता है उससे भी वो मैरिज नहीं कर सकते हैं, जैसे वाइफ के मदर से या ग्रैंड मदर से या वाइफ के डॉटर से वो शादी या ग्रैंड डॉटर से नहीं शादी कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो वो वाइड मैरिज कंसीडर की जाएगी। फिफ्थ वन इज मैरिज प्रोहिबिटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ फोस्टरेज। फोस्टरेज का मतलब होता है कि अगर वो किसी ऐसे से शादी करता है जिसने उसको उसके अपब्रिंगिंग में हेल्प की है, हेल्पिंग समवन ग्रो अप टू बी एन एक्सेप्टेड मेंबर टू द कम्युनिटी, ऐसे किसी से शादी नहीं कर सकता जो कि उसको ग्रोन अप उसकी नर्सिंग की है। सो वो फोस्टरेज में वो कंसीडर किए जाएंगे, सो वो प्रोहिबिटेड डिग्री में रिलेशनशिप कंसीडर किया जाएगा, वो मैरिज भी वाइट मैरिज कंसीडर की जाएगी। इन मुंशी वर्सेस मस्त आलम बीबी द कोर्ट ऑब्जर्व दैट व्हेन देयर इज अ परमानेंट एंड परपेचुअल प्रोहिबिशन फ्रॉम मैरिज ड्यू टू नॉन एथरेंस ऑफ ए कंडीशन इट इज वाइट मैरिज। अगर कोई परमानेंट प्रोहिबिशन है और उसको फॉलो अप नहीं किया गया उस कंडीशन को, इन दैट सर्कमस्टांसेस ये मैरिज जो है वो वाइड मैरिज करेगी कहलाएगी। इफेक्ट ऑफ वाइड मैरिज, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वाइड मैरिज का। द मैरिज इज वाइड एब इनिशियो, वाइड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द मैरिज इवन इफ द मैरिज इज कंज्यूमेटेड। जो मैरिज है वो डे वन से, जिस दिन उस मैरिज में के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए या मैरिज हुई डे वन से उसको वाइड मैरिज बोला जाएगा, भले ही वो मैरिज कंज्यूमेटेड हो गई हो, भले ही वो कंप्लीट हो गई हो, उसमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया हो भले ही हस्बैंड एंड वाइफ का, फिर भी उसको वाइड मैरिज कंसीडर किया जाएगा डे वन से। नेक्स्ट इज वाइड मैरिज डज नॉट एंटाइटल द पार्टी टू एनी लीगल राइट एंड बिस्टो एनी लीगल ड्यूटीज अपॉन दम। हस्बैंड एंड वाइफ को किसी भी तरीके के लीगल राइट्स और किसी भी तरीके की लीगल ड्यूटीज एक दूसरे के प्रति नहीं होंगे। नेक्स्ट इज इफ द मैरिज टर्न आउट टू बी वाइट द मैरिज टू रिसीव मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स इज लॉस्ट। अगर वो प्रूफ होती है कि दैट मैरिज इज वाइट, जो भी मेंटेनेंस मिलने का एंटाइटल्ड होगी वाइफ आफ्टर डाइवोर्स वो लॉस्ट हो जाएगा, वो उस मेंटेनेंस पाने की एंटाइटलमेंट को खो देगी। द किड्स इफ एनी बॉर्न फ्रॉम द कंजुमेशन ऑफ ए वाइट मैरिज आर कंसिडर्ड इलेजिटिमेट। उनको जो भी आउट ऑफ वेडलॉक दैट वाइट मैरिज से जो भी बच्चे बॉर्न होंगे उनको इलेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा, एंड उनको किसी भी तरीके का सक्सेशन और इनहेरिटेंस राइट्स उसके पेरेंट्स प्रॉपर्टी में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज द स्पाउसेस डू नॉट रिक्वायर टू ऑब्टेन ए डिक्री ऑफ डाइवोर्स इन केस ऑफ वाइट मैरिजेस। वाइट मैरिज अगर डे वन से ही वाइट है, मतलब नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है डे वन से, तो उनको डाइवोर्स की डिक्री के लिए किसी भी तरीके का फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उनका डे वन से ही मैरिज नॉट एनफोर्सेबल बाई लॉ है। दे कैन सिंपली पार्ट अवे विदाउट एनी लीगल फॉर्मेलिटीज, उनके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज को फॉलो अप करना मस्ट नहीं है, वो विदाउट डाइवोर्स डिक्री के ही अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज काइंड्स में मैरिज का है, फासिद निकाह और इररेगुलर मैरिज। इसको मैंने बताया कि जैसे मैरिज बिकम्स इररेगुलर हुज बेसिस इज साउंड बट सच मैरिज इज एन अनलॉफुल ड्यू टू द नॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ सम फॉर्मेलिटीज। कुछ ऐसी फॉर्मेलिटीज है उसको नहीं फॉलो अप किया गया, इसकी वजह से
उसको हम इररेगुलर बोलते हैं, बट इफ दिस फॉर्मेलिटी इज फुलफिल्ड आफ्टर मैरिज इट बिकम्स रेगुलर. फॉर एग्जाम्पल द मैरिज विद ए फिफ्थ वूमेन कैन बी रेगुलराइज्ड बाई डाइवोर्सिंग वन ऑफ द फॉर्मर फोर वाइव्स. जैसे कि अगर एक आदमी की चार शादियाँ हुई हैं तो फिफ्थ मैरिज वो अगर करता है तो उस मैरिज को इररेगुलर करेगा, बट वो लेटर ऑन जाके किसी चार वाइफ में से एक को डाइवोर्स देके या किसी एक की डेथ हो जाती है सो उसकी जो फिफ्थ मैरिज है वो रेगुलराइज मैरिज कंसीडर की जाएगी. इररेगुलर कैन बी डिसॉल्व बाय आइदर पार्टी बाय मेयरली एक्सप्रेसिंग द इंटेंशन टू डू सो. इररेगुलर मैरिज को डिसॉल्व किया जा सकता है जो भी आइदर पार्टी मतलब वाइफ या हस्बैंड दोनों हैं, अगर वो उस फॉर्मेलिटीज जो उन्होंने नॉन फुलफिलमेंट की थी उस फॉर्मेलिटी को अगर वो नहीं फुलफिल करना चाहते हैं तो वो अपने इंटेंशन के शो करके उस मैरिज को डिसॉल्व भी कर सकते हैं इन नियर फ्यूचर में. अकॉर्डिंग टू सिया लॉ देयर इज नो सच मैरिज एज एन इररेगुलर मैरिज. अकॉर्डिंग टू जो सिया है वो सिर्फ दो ही तरीके की मैरिज को कंसिडर करते हैं, या तो वाइट या वैलिड मैरिज. उनके अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही टाइप की मैरिज होती है, वाइट या तो वैलिड. बट जो इररेगुलर का कॉन्सेप्ट है वो सुनीज के अकॉर्डिंग ही है. इट रिकॉग्नाइज ओनली टू कैटेगरीज ऑफ मैरिज नेमली एज द वाइट एंड द वैलिड. दे आर आउटकम ऑफ कब कब मैरिजेस जो है वो इररेगुलर होती है, मतलब लेटर ऑन जाके हम उस पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करके उसको वैलिड कंसीडर कर सकते हैं. मैरिज विदाउट विटनेसेस, अगर एट द टाइम ऑफ मैरिज विटनेसेस प्रेजेंट नहीं है तो लेटर ऑन जाके विटनेसेस प्रेजेंट करके हम उसको रेगुलराइज उस मैरिज को कर सकते हैं, बट सिया में नहीं. क्योंकि सिया में हम लोग ने पढ़ा असेंशियल एलिमेंट्स में कि सिया के फॉर वैलिडेशन ऑफ मैरिज विटनेसेस का प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है, सिर्फ सुनीस के लिए विटनेसेस का प्रेजेंस होना मस्ट है. सेकेंड इज मैरिज विथ फिफ्थ वाइफ. जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि अगर फिफ्थ वाइफ से मैरिज हुई है उन चार में से किसी जो चार वाइफ्स प्रेजेंट है हस्बैंड की उनमें से किसी एक को डाइवोर्स देके वो फिफ्थ मैरिज को रेगुलराइज कर सकते हैं. थर्ड वन इज मैरिज विथ ए वुमेन अंडरगोइंग ए इद्दत. अगर वुमेन जो है वो इद्दत पीरियड में है तो भी वो उससे उसको रेगुलराइज कर सकते हैं. मैरिज विथ ए फायर वर्शिपर, मतलब अभी हम लिमिटेशन या प्रोहिबिशन में आगे पढ़ेंगे कि मैरिज जो है वो जो भी फायर वर्शिपर है या आइडल वर्शिपर है उससे मैरिज नहीं कर सकते मुस्लिम. तो लेटर ऑन जाके अगर वो मैरिज कर लिए हैं तो लेटर ऑन जाके उसके रिलीजन को कन्वर्ट करके उसकी बिलीफ को कन्वर्ट करवा के वो फायर वर्शिपर से शादी को वैलिड कंसीडर करवा सकते हैं. मैरिज आउटकम ऑफ वॉर बार ऑफ अनलॉफुल कंजक्शन. अनलॉफुल कंजक्शन होता है कि अगर मैन जो है वो एट द सेम टाइम टू वाइफ्स हु आर सो रिलेटेड टू ईच अदर बाई कंसिक्वेंटी एफिनिटी और फोस्टरेज. जो मेल है वो एट द सेम टाइम ऐसे किसी दो वाइफ्स को इकट्ठे एक साथ शादी नहीं कर सकता. दोज हु आर रिलेटेड टू ईच अदर बाई कंसिक्वेंटी एफिनिटी और फोस्टरेज. लाइक हस्बैंड जो है वो ऐसी लाइक फॉर एग्जाम्पल वो दो बहनों को जो जो ब्लड रिलेटेड सिस्टर्स हैं उनसे एक टाइम पे शादी नहीं कर सकता. अगर उसने किया तो उनमें से एक को उसको डाइवोर्स देना पड़ेगा तभी वो मैरिज वैलिड कहलाएगी, अदरवाइज वो मैरिज इररेगुलर कहलाएगी. क्योंकि उसको लेटर ऑन उसके टर्म्स एंड उसको डाइवोर्स देके उसको वैलिड कंसीडर किया जा सकता है. इररेगुलर मैरिज हैज़ नो लीगल इफेक्ट बिफोर कंज्यूमेशन बट वेन कंज्यूमेटेड गिव राइज टू सेवरल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन. जो इररेगुलर मैरिज है अगर मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो किसी भी तरीके का राइट्स एंड ड्यूटीज अराइज नहीं होती. बट अगर कंज्यूमेट हो गई है तो उसमें कुछ लीगल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं. वो है द वाइफ गेट द राइट टू रिसीव डावर. वाइफ्स को
को एंटाइटल हो जाएगी रिसीव करने की डवर, वाइफ एंटाइटल हो जाएगी रिसीव करने की डवर, डवर अब वो रिसीव कर सकती है, अगर वाइड मैरिज है तो वो डवर रिसीव नहीं कर सकती। शी बिकम अंडर एन ऑब्लिगेशन ऑफ ऑब्जर्विंग इद्दत, जब भी उसकी मैरिज डिसॉल्व होगी तब उस पे ऑब्लिगेशन हो जाता है कि उसको इद्दत पीरियड स्पेंड करना ही है। थर्ड है, इट डज नॉट क्रिएट म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो भी म्यूचुअल राइट्स हैं वो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज़ में उसको मिल जाते हैं। यहाँ पर नॉट बाय टाइपोलॉजिकली लिखा गया, इट डज क्रिएट म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, बिकॉज वो इररेगुलर मैरिज को वैलिड कंसीडर कर सकते हैं उस टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करके, फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल करके। द चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ सच मैरिज आर ट्रीटेड लेजिटिमेट एंड आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेड इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। जो आउट ऑफ जो भी चिल्ड्रन आउट ऑफ दैट मैरिज बॉर्न होंगे उनको लेजिटिमेट ट्रीट किया जाएगा और नॉट एंटाइटल टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम बोथ सॉरी आर एंटाइटल टू इनहेरिट प्रॉपर्टी फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, ऑन बोथ द पेरेंट्स के प्रॉपर्टी पे वो इनहेरिट करने के लिए एंटाइटल्ड हो जाएंगे। फोर्थ वन है मुता मैरिज, इसको हम लोगों ने पढ़ा था सियान सुन्नीज में। मुता मैरिज जो है वो अंडर सुन्नीज इसको रिकग्नाइजेशन नहीं मिला है, सिर्फ सिया स्कूल के जो हमारे सबसेक्ट है इतना असारिया जो फर्स्ट सबसेक्ट है सिया स्कूल में उसी में सिर्फ मुता मैरिज को रिकग्नाइजेशन मिला है। मुता मैरिज क्या होता है, एक तरीके से टम्परेरी मैरिज होता है। मुता मैरिज इज़ ए टम्परेरी मैरिज अप्रूव्ड ओनली अमॉन्ग द सिया मुस्लिम, द मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये जो होता है मुता मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक पर्टिकुलर पीरियड हो सकता है, इसके लिए पर्टिकुलर पीरियड का कोई स्पेसिफाइड चीज़ नहीं, या एक दिन के लिए भी हो सकता है, एक महीने के लिए या एक साल के लिए भी, ऑन ए फिक्स्ड अमाउंट। यहाँ पर डवर का अमाउंट फिक्स्ड होना मस्ट है। ऑल द लीगल प्रोविजन शुड बी फुलफिल फ्रॉम सच फॉर सच मैरिज, मतलब जो भी मैंने एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं उसका फुलफिल होना इसके लिए अनिवार्य है। देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स एंड मैरिज विल बी डिजॉल्व ऑटोमेटिकली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द टाइम पीरियड। यहाँ पर डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट मुता मैरिज में नहीं है, बिकॉज उसमें स्पेसिफाइड टाइम के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री होते एंटर करते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक हम एज एन हस्बैंड वाइफ रहेंगे, उस टाइम पीरियड के बाद हम पार्ट अवे हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। सो इसमें डाइवोर्स की फॉर्मेलिटीज एंड कॉन्सेप्ट नहीं है। द सुन्नीज डू नॉट रिगार्ड इट एज ए मैरिज, दे एडमिट ओनली परमानेंट मैरिज कॉल्ड निकाह। सुन्नीज के अकॉर्डिंग इसको उन्होंने एज ए मैरिज कंसिडर नहीं करते हैं, वो सिर्फ परमानेंट मैरिज जो निकाह के नाम से जाना जाता है उसी को कंसिडर करते हैं। लीगल इफेक्ट ऑफ टेम्परेरी मैरिज, इसके कुछ कुछ लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो क्या क्या है। वोमेन विल गेट द स्टेटस ऑफ वाइफ अप टू द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब तक वो पीरियड रहता है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, लाइक एक साल का स्पेसिफाइड पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का, सो उस पीरियड में वाइफ को एज एन वोमेन को एज एन वाइफ ऑफ दैट हस्बैंड दैट पर्सन स्टेटस मिलेगा एज एन वाइफ का। इफ द मैरिज हैज़ बीन कंज्यूमेटेड शी इज एंटाइटल फॉर फुल डावर अदरवाइज फॉर हाफ, अगर मैरिज कंज्यूमेटेड हो गई है मतलब उनमें रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है तो उस कंडीशन में उसको फुल डावर मिलेगा, अदरवाइज अगर कंज्यूमेटेड नहीं हुई है तो वो हाफ के लिए एंटाइटलमेंट होगी। थर्ड है, आफ्टर एक्सपिरेशन ऑफ टाइम पीरियड नो मेंटेनेंस एंड प्रॉपर्टी राइट इज गिवन टू द वुमेन, वुमेन राइट किसी भी तरीके का मेंटेनेंस उसको प्रोवाइड नहीं होगा उस टाइम पीरियड के बाद, और प्रॉपर्टी राइट भी आउट ऑफ उस मैरिज से वुमेन को हस्बैंड प्रॉपर्टी में किसी भी तरीके का नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन बॉर्न विल बी लेजिटिमेट आउट ऑफ दिस मैरिज, जो भी चाइल्ड बॉर्न होगा उसको लेजिटिमेट कंसिडर किया जाएगा। एंड इद्दत पीरियड इज फॉर 3 months, इसमें इद्दत पीरियड है आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मतलब जो भी स्पेसिफाइड पीरियड है उसमें इसका इद्दत पीरियड होगा 3 months। इद्दत पीरियड्स का मेन ऑब्जेक्ट होता है पैटर्निटी पर्टिकुलर, अगर वो वाइफ लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है तो उसकी पैटर्निटी डिसाइड करने के लिए, सो उसका टाइम पीरियड होगा 3 months। सो ये हो गया हमारा एसेंशियल्स एंड काइंड्स ऑफ मैरिज।